बात करेंगे आप? पहले तो आपकी तबीयत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। आप बात करने के मूड में हैं मुझसे? नहीं, बहुत बड़ा नाश हो रही है हमारी इज्जत। बचा लो अली, अभी भी वक्त है। अली अभी भी वक्त है, क़यामत करीब है, ऐसा ना हम लोग इसी चक्कर में तबाह हो जाएं। बेटे तुम्हें अगर फॉलो कर दिया बच्चों ने, अल्लाह करे यूथ ने, तो सोचो क्या नुकसान होगा। इसी तरह इटली में एक जगह है पोम्पाई कबीला, वो भी इसी वजह से बर्बाद हुआ। इटली में है पोम्पाई कबीला जी। झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं, इतनी सफाई से बोलते हैं कि बेचारा शरीफ आदमी कहता है यार ये सच बोल रहा है। यहाँ गुलिस्तान जौहर में दो लड़कियों ने आपस में शादी कर ली है यार, वो तो बात ठीक है। लड़के आपस में शादियाँ कर रहे हैं तो ये चीज़ गलत है या सही है? ये कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। गलत रॉन्ग तो उसको राइट कौन बोलेगा? हाँ, रॉन्ग चीज़ का भी राइट हो ही नहीं सकती। दिस इज इम्पॉसिबल बात। माइकल जैक्सन अपने साथ 25 डॉक्टर लेके घूमता था, मगर क्या हुआ, मौत तो आनी है। अगर बीवी नहीं मानती, दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दे रही, तो आप उसको बोले आप अपने घर चले जाए, चलिए लाजमी है, क्योंकि आप वो इस्लाम के खिलाफ काम करवा रही है आपसे। क्यों मना कर रही है आप? उसको तो ये कहना चाहिए आपकी शादी में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूंगी, डांस करूँगा। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि बात ऐसी है कि मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से आप लोगों से नज़रें मिलाऊं और मैं किस हौसले से लोगों से जाके ये बात पूछूंगा, क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा है कि अली सेठी और सलमान तूर, लड़का और लड़का, कर रहे हैं आपस में शादी। तो आए आवाम से जानते हैं कि ये शादी कितना चलेगी। आए मेरे साथ, आज का शो पूरा नज़रें झुका के होगा। नजम सेठी, अच्छा अच्छा, जानते हैं क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है हमारे, क्रिकेट हाँ, हाँ, जानते हैं ना। अच्छा, उनके बेटे ने देखें क्या किया है, ये उनका बेटा है, कैसा लग रहा है? तो पागल की तरह लग रहा है मुझे। नजम शेट्टी का बेटा जो है अली सेठी अली सेठी साहब जो हैं, ये सलमान, सुना है मैंने, सारा सलमान ने आपस में शादी की है। हाँ मुझे पता है, ये सारा लंदन के अंदर सारा प्रोग्राम उन्होंने किया है, ये पढ़ा ही पढ़ा है मैंने देखा। कहाँ जा रहा है हमारा माशरा? देखिए हमारा माशरा जो है ना वो तरक्की कर रहा है बेहाई की तरह। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पे, जो इतनी तबाही आ रही है उसकी वजह यही है, जो तबाही आ रही है उसकी वजह अली सेठी है, यही है अली सेठी, कोई भी सारे जितने भी इस किस्म का काम कर रहे हैं। हाँ जानता हूँ अली सेठी। अच्छा, अब ये दिखने में आपको कैसा लग रहा है? मवाली है, मवाली है। नहीं नहीं, मवाली नहीं है, ये देखें, और ये इसका दोस्त है, ये कहीं से लड़के लग रहे हैं आपको? जी जी, ये लड़के नहीं है, ये लड़के ही हैं, और इन दोनों की आपस में शादी होने वाली है। अच्छा, ये जो लड़के आजकल लड़कों से शादी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इससे हमें कितना नुकसान है? ये देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है, सबसे बड़ी बात, और ये इतना बड़ा बुरा फेल है कि लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, वो इसी तबाह हुई थी असल में, ज़मीन के अंदर गर्क हो गई थी, खत्म कर दिया, धंस गई थी, पूरी खत्म कर दिया था, यानी कि अजाब आया था अल्लाह पाक का अजाब आया था लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर, वो यही किया करते थे जो ये फेल कर रहे हैं। ओह यस, जेंडर प्रॉब्लम। आप देख लीजिए, अल्लाह ताला भाई बिस्मिल्लाह रहीम, ये समझ लीजिए कि ये तमाम मुसलमानों के लिए और हम सब के लिए लम्हे फिक्रिया है। बेटा ये देखो, जो अल्लाह ताला ने और हाफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी निशानियाँ, उसके बहुत करीब हम लोग पहुँच चुके हैं क़यामत की। जी हाँ, बहुत करीब, बड़ी निशानियों में से एक निशानी है कि लड़का लड़का आपस में शादी कर रहे हैं। हमारा बेटा हमारी बेटी कहाँ जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें टाइम ही नहीं है, टाइम जिससे पूछो या टाइम नहीं है। देखें, जहाँ तरबियती अमल ख़त्म हुआ ना, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं बिल्कुल अनपढ़ आदमी। बात करेंगे आप? पहले तो आपकी तबीयत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। आप बात करने के मूड में हैं मुझसे? नहीं है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे भाई। वैसे बात कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, मेरा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। सर, नजम सेठी को जानते हैं ना आप? जी जी बिल्कुल। उनके बेटे को भी जानते होंगे, अली सेठी को? जी जी। अली सेठी ने अभी शादी कर ली, गे से शादी कर ली है। कुछ इलाकों में ये सब चीज़ें बहुत, यहाँ पर होमोसेक्सुअल वगैरह, ये पंजाब साइड में ज़्यादा है। मानसर वगैरह में देख लें कितना वावेला मच गया था, कितनी अल्लाह का अजाब आया था यहाँ पर। आप देख रहे हैं, इस्लामाबाद में दो बिल्डिंगें थी ना, एक गिरी एक नहीं गिरी। अल्लाह का अजाब भाई, जैसे भी इस्तेमाल करोगे आप, उसका अजाब तो आना ही आना। फेसबुक पे वोटिंग स्टार्ट हुई है कि क्या ये चीज़ गलत है सही है, तो हमारे पाकिस्तान से 70% लड़कों ने ये कहा है कि ये चीज़ सही है, और लड़कियों ने भी ये कहा है कि आपस में हम शादियां कर सकते हैं। बताइए यार, आप बताइए कि हम सब के लिए कौन सा मुकाम है ये शर्म से मर जाने का मुकाम है
कि हमारे नए नस्ल बच्चे बच्चियाँ इसके हक में। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, बहुत बड़ी निशानी है ये, और इससे जो बीमारियाँ फैलेंगी उसका कोई इलाज नहीं होगा। जिंदा मिसाल आप एड्स की देख लो, ये उससे भी बड़ी बीमारी होगी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? बहुत बड़ा नाश हो रहा है। तो क्या ये चीज़ गलत है या सही है? गलत है, बिल्कुल गलत है। जो बात गलत रॉन्ग तो उसको राइट कौन बोलेगा? हाँ, रॉन्ग चीज़ कभी राइट हो ही नहीं सकती। दिस इज इम्पॉसिबल बात। इम्पॉसिबल बात? हाँ, पॉसिबल बात। इम्पॉसिबल बात, इम्पॉसिबल बात है ना। हाँ, क्योंकि प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। मुझे पता है, एक पिशावर के अंदर एक पठान दिखाया बहुत पैसे वाला। हाँ। उसने बाकायदा जैसे लड़की बिदाते हैं वो करते हैं, लेके जाते हैं शादी करके, ऐसे वो शादी करके लेके जा रहा था लड़के को। बहुत पुरानी बात है, ये मीडिया में भी आई थी। तो ये जो हो रहा है, लड़के आपस में शादियाँ कर रहे हैं। हाँ। तो ये चीज़ गलत है या सही है? ये कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। सही क्या है? वो बोल रहे हैं कि लड़का, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो सही। देखे 95% जो है गलत है, 5% सही है। 5% जो सही है वो कैसे सही है, बताएं जरा। अब ये है, एक दूसरे को चाहते तो लाजमी आदमी करने का साथ, नहीं करे देखे बात सुनने, नहीं करेंगे तो कभी कोई चक्कर होगा, खुदकशी कर लिया, ये कुछ कर लिया, वो कुछ कुछ कर लिया। हाँ, मतलब अली सेठी सही कर रहा है। 5% सही है, 5 का 10% समझ लीजिए सही, 95% गलत। शरीयत में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और कौम लूत जो तबाह हुई वो इसी वजह से हुई। इसी तरह इटली में एक जगह है पोम्पाय कबीला, वो भी इसी वजह से बर्बाद हुआ। इटली में है पोम्पाय कबीला? जी, जो जिसके अंदर ये जैसे लूत, कौम लूत के आसार मिले ना, ऐसी पोम्पाय कबीले के आसार भी मिले हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर झूठ बहुत बोला जा रहा है, जबकि वो झूठ नहीं बोलते। झूठ सच बन गया है हमारे पाकिस्तान में। झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं, इतनी सफाई से बोलते हैं कि बेचारा शरीफ आदमी कहता है यार ये सच बोल रहा है, बिल्कुल यार सच बोल रहा है बिल्कुल। और जबकि जो गैर मुस्लिम है वो झूठ नहीं बोलते, इसको बिल्कुल बुरी बात समझते हैं। अगर वो जो है ना टाइम देंगे किसी, वो टाइम पर पहुँचेंगे, ठीक है, किसी भी जगह पर, अगर कमिटमेंट क्योंकि किसी भी किस्म का करेंगे उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। हमारे पास क्या कहते हैं कि मैं जानी ट्रैफिक में फंस गया था। हाँ, हम असल में हमारे पास बहाने बहुत सारे हैं। हमारी इज्जत बचा लो अली, अभी भी वक्त है। अली अभी भी वक्त है, क़यामत करीब है, ऐसा ना हम लोग इसी चक्कर में तबाह हो जाएं। बेटे, तुम्हें अगर फॉलो कर दिया बच्चों ने, अल्लाह करे यूथ ने, तो सोचो क्या नुकसान होगा। तो ये हम सब ये चाहते हैं कि बेटे तुम भी हमारे अपने ही हो, लेकिन तुमने एक ऐसा अमल कर दिया है एक बहक के, तो अल्लाह पाक तुमको नेक हिदायत दे और हम सबको भी दे, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ही विल कम बैक। ये अली सेठी जो शादी करने वाले हैं सलमान तूर से, तो क्या आपको लग रहा है कि इनके बच्चे होंगे? नहीं, कहाँ से होंगे, कहाँ से होंगे? हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ से होंगे? वही तो मैं भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ से होंगे बच्चे? आपका कार्ड्स का काम है, शादी के कार्ड्स का। अब बहुत से लोगों की शादी होती है, वो अपने कार्ड्स छपवाते हैं, जाहिर सी बात है एडवांस देते होंगे। शादी टूट गई, आजकल बहुत टूट रही हैं, ऐसा होता है वो कार्ड लेने ही नहीं है। देखिए जी, बात ये है कि हमारे पास पैकेज है शादी के लिए भी, हमारे पास आदमियों के लिए पैकेज है, और एक मतलब एक लेडीज़ भी आगे कहने की वो पैकेज हमें भी दे दें। मैंने कहा देखिए जी, वो पैकेज आपके लिए नहीं, नहीं नहीं, हमें तो पैकेज चाहिए, हमें पैकेज दें। मैंने कहा मैं आपको पैकेज नहीं दे सकता, वो पैकेज कौन सा पैकेज है, तो आवाम भी सुनना चाह रही। मैंने बोला, मैंने कहा देखो जी, वो पैकेज ऐसा है आपके लिए नहीं, आपके शौहर के लिए। कहने की अच्छा, वो बताएं क्या है। मैंने कहा आपके शौहर की जब दूसरी शादी होगी उसकी उसके लिए मैं कार्ड आधी कीमत पर छाप के दूंगा, और जब वो तीसरी करेगा तो कार्ड में फ्री छाप करूंगा, और जब चौथी करेगा तो हाल भी फ्री करा के दूंगा। मतलब नेक काम में साथ दे रहे हैं आप। हाँ, और मैंने कहा जब वो पांचवी करेगा तो उसका कफन तफन मेरी तरफ से होगा। जो जॉब नहीं मिली, जब से PIA से निकाला गया हूँ ना, मैं PIA में था, मैं PIA से निकाला गया, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ? तो आप दोबारा जाके बोले मुझे जॉब पे रख लो। वो रख ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि परवेज मुशरफ के ज़माने का लगा हुआ था मैं, और उसके बाद जरदारी आया, जरदारी का खप्पे हो खप्पे हो खप्पे हो के नारे लगाओ, पक्के हो जाओगे पक्के हो जाओगे, हम और लोगों को निकाला जा रहा था। आपकी गवर्नमेंट जॉब थी? नहीं, गवर्नमेंट जॉब थी नहीं, प्राइवेट जॉब। नहीं, फिर कौन सी जॉब थी? डेली विलेज में लगे हुए थे हम तो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप कहीं ना कहीं ट्राई करें, इंशाल्लाह जॉब लग जाए। हाँ, कहाँ ट्राई करूँ मेरे भाई, मुझे जगह तो बताओ ना मेरे भाई, कहाँ जाके मास्टर बिठूँ? ये पहली से पांचवें तक का हमारा ये पैकेज है, अगर आप ये चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए भी, आपको भी पांच पैकेज आपके लिए भी है मेरे। अंकल, आप अपनी दुकान का नाम रख लें जीना मरना, क्योंकि पहली शादी में जीना हो रहा है, पांचवी में मरना हो रहा है। कॉल पे ज़रूरी बात हो रही है, मुझसे बात नहीं करोगे आप?
हाँ लाइक और उस यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब किया है, सच बताओ? सच में एकदम खुले आसमान के नीचे खड़े हुए, झूठ नहीं बोल रहा? नहीं मरूंगा नहीं भाई, नहीं मरना नहीं यार। सच बोल रहा हूं आपको, ये मौलाना साहब कह रहे हैं पहली वाली बीवी को मनाएं कैसे कि मुझे दूसरी शादी करनी है? इस्लाम में ये चीज नहीं है कि उसको मनाएं, आप कोई इस्लाम के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जो जो हदीस में हुजूर पाक सल्लम ने फरमाया आप तो उस पर अमल कर रहे हैं ना, आपकी बीवी इजाजत देती है आप कान में डाल दो, ठीक है, नहीं देती आप जब भी कर लोगे, आपको मना थोड़ी है, वो आपको मारेगी थोड़ी, अगर वो नहीं मानती है तो ठीक है, आप कहते ठीक है भाई आप घर जा सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे इस्लाम में चार शादियां जो हैं वो जायज़ हैं, कि बंदा चार तक कर सकता है, लेकिन उन चार लड़कियों को छोड़ के लड़के की तरफ जाना कितना गलत है अंकल? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत ही बुरी बात है बेटा, बहुत। मतलब अली ने पूरे पाकिस्तान का नाम झुका दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बेटे, हम सब शर्म से बहुत ज़्यादा आग ना उठा रही है, किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो हम शर्म से मरने का प्रोग्राम है हमारे लिए। वो लोग कहते हैं कि आप क्या क्या तो आ रहा है, आप हमसे कह रहे हैं, अपने आप को तो देखें आप। ये तो मीडिया पे आ गया तो आ गया, आप सुनते नहीं है बहुत सारे माहौल के अंदर मामला के अंदर के लड़कों के साथ कितने गलत काम हो रहे हैं? पहले के दौर में लड़कियां सेफ नहीं थी, अब लड़के भी सेफ नहीं है, नहीं है। और अली सेठी से पाकिस्तानी मीडिया ने सवाल किया है कि ये आपने क्या किया है, तो कहता है कि आप लोगों की छोटी सोच है। जो हमारी छोटी सोच है वो सही कर रहा है, वो अब पागल तो दूसरों को पागल ही समझता है ना, वो अपने आप को थोड़ी पागल समझता है, वो कहता है ये सब पागल हैं जितने बाहर हैं। इस्तेमाई लेवल पे तो गवर्नमेंट की सतह पे ये बुरा ये अच्छा, ये इमरान खान अच्छा वो नवाज शरीफ बुरा, ये इन चक्करों में पड़े हुए हम इंफरादी लेवल पे फेलियर हैं, हम अपने घर में फेल आते हैं, घर के माहौल को हम सही नहीं कर सकते। मतलब अपने आप को कोई नहीं देख रहा, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब, तनकीद कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अली जो बहकावे में आ गया है, सही है, जिस ऐसी बात है बहकावा ही है मेरी नज़र में, ये बच्चा है यार बालिग है, वो अच्छी समझता है, अच्छी क्या है क्या बुरी है क्या अच्छी है, आप सिर्फ जानबूझ के करवा रहे हैं, आप लोग ये सब जानबूझ के हो रहा है भैया, ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, हम आप कर लेंगे ना तो पकड़े जाएंगे, अगर इनका कुछ नहीं होगा ये और प्रमोट होते हैं आगे जाके। हम ये कह सकते हैं अल्लाह इसको हिदायत दे और दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए, ये तो नस्ल तबा करने का असर है आगे, और अगर ये बीमारी फैल गई पाकिस्तान में तो क्या असर होगा, कौमें लूट इसीलिए तबाह हुई थी, ये तो तबाही है। अच्छा है जहाँ भी है, हम यूरोप में तो तबाही वहीं मचेगी। नहीं, इसको देखा था कि बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं, लड़के आपस में शादी कर रहे हैं, या गुलिस्तान जौहर में दो लड़कियों ने आपस में शादी कर ली है यार, वो तो बात ठीक है। बच्चों के अंदर एक हीट पैदा होगी कि हमारे पास क्यों नहीं है, फिर वो कहेगा बाप तूने तो कुछ नहीं किया, बल्कि माँ ये बोलती है तेरे बाप ने तो कुछ भी नहीं किया, तू तो कुछ किया, तो वो कहता अच्छा ठीक है मैं करता हूँ। हाँ, और वो बंदा टपका दिया उसने, ऐसा ही होता है। जवानी में लोग अपने आप को इतना भूल गए कि एक दिन मरना भी है। माइकल जैक्सन अपने साथ 25 डॉक्टर लेके घूमता था, मगर क्या हुआ, मौत तो आनी है। निकल जाते हैं हम लोग, हकीकत अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं या जिस टाइम पे खड़े हुए हैं, हम उस वक्त की बात करें ना तो पूरा माहौल डैमेज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा आप बड़े हैं तो आप अली को क्या कहना चाहते हैं? अली ने जो कदम उठाया है, शादी होने वाली है, अली को ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए इसके अंदर जो है 80% तो नहीं करना चाहिए, 20% कर लो, अब नहीं करते चलो दूसरे कहे कहीं, आजकल ज़्यादातर लोग क्या है खुदकुशी कर लेते बच्चे, या लड़का लड़की एक साथ खुदकुशी कर लिया तो क्या कर सकते, मतलब उससे अच्छा चलो कर लो शादी। लोग अपने मुल्क छोड़ के जा रहे हैं सिर्फ लड़के लड़कियों से शादी। आप मुझे बात तो बताओ ना सर, मेरी जॉब का क्या हुआ, मुझे उस चक्कर में तो मैं भी तो बताइए ना जरा सर। कभी ऐसा हुआ है वैसे किसी ने एडवांस दिया शादी टूट गई, वो अपने कार्ड उठाने ही नहीं आया? नहीं होता है कभी ऐसा, एक दफ़ा हुआ था, लेकिन वो फिर वो ऐसा होता है कि वो कार्ड फिर डेट चेंज करवा लेते हैं कि लड़का ऐसा हो गया जी, वो लड़का सही नहीं था, वो हमें बाद में पता चला, होता ये, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि शादी से यानी कि एक आध मरतब ऐसे हो शादी से पहले कार्ड चेंज हुए। शादी से पहले भी लड़का चेंज हो जाता है कार्ड छपने के बाद भी? हो जाता है। बहुत से लोगों ने कहा होगा कि हम जॉब पे लगा देते, किस किसने कहा? मुझसे मेरे दोस्तों ने दो तीन दोस्तों थे, उन्होंने कहा था मैं लगवा दूंगा। अब यहाँ से एयरपोर्ट जाना इतनी बड़ी बात, एयरपोर्ट के अंदर पहले नंबर 1, 2, 3 हमारे अंडर में था, टर्मिनल 4 हमारे अंडर में नहीं था। हम वन से वाइट बॉडी थी, वाइट बॉडी के अंदर दाखिल होते थे। जब आप एयरपोर्ट में काम करते थे तो आपके पास तो पैसा होगा? जब हमारे उस वक़्त भी 5,000 सैलरी थी, 8,000 हुई, 4,000 से 8,000 रुपये हुई, 8,000 से 15,000 रुपये हुई, उसके बाद फारिग कर दिया गया। तो कोई जहाज़ खरीद लेते आप ही रेंट पे चला लेते हो?
नहीं, मेरे अंडर में नहीं था अल्लाह की वली। पाँच तक पहुँचना है या दो तीन पे रुकना है आपने, ये तो आपने आपने फैसला करना है। मैंने तो एक ही करनी है। वजह ये एक आप इसलिए करेंगे ना कि आप डरते हैं दूसरी शादी से, जबकि दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी हमारे मजहब में जायज़ है। देखिए हर औरत अपना नसीब लेके आती है, नसीब लेके आती है, मतलब चार शादियों में तो नसीब ही खुल जाएगा भाई। आप चार शादी करें, मर्सिडीज़ें खड़ी होंगी आपके पास। आप करें तो हिम्मत तो करें आप। आप पहली शादी में यार वो ऐसा हो गया, गुजारा नहीं हो रहा, अरे भाई जितना उसके नसीब में लिखा है वो मिल रहा है आपको। जब दूसरी करोगे उसके नसीब से भी मिलेगा आपको, तीसरी करोगे और भी मिलेगा, चौथी करोगे तो आप बादशाह बन जाओगे इलाके के। चारों में से कोई एक का नसीब तो चमकेगा। हाँ, उसका एक चमकेगा। आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि आपके लिए एक जॉब है, लेकिन आपको वहीं रहना पड़ेगा। सुबह का खाना मिलेगा, रात का खाना मिलेगा, रात का खाना मिलेगा, दोपहर का भी मिलेगा। सही है, सही है, लेकिन आपको 24 घंटे वहीं रहना है। किधर? सेंट्रल जेल। अगर बीवी नहीं मानती, दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दे रही, तो आप उसको बोलें आप अपने घर चले जाएं। चलिए, लाजमी है, क्योंकि आप वो इस्लाम के खिलाफ काम करवा रही है आपसे। क्यों मना कर रही है आप? उसको तो ये कहना चाहिए आपकी शादी में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगी, डांस करूँगी, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगी, मैं आपके साथ चलूँगी और उसको विदा करके लाऊँगी, उसको ये बोलना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा दिल कहाँ से लाएं? इतना बड़ा दिल नहीं है ना असल में। हाँ, दिल ही तो चाहिए। वही आपने बात करी है ना, इससे आज पूरा जो नौजवान नस्ल है ना वो आपको दुआएं दे रही होगी। बात करेंगे, बुकिंग लेके आया हूं, जा रहा हूं। चले चले, अपना नहीं नहीं, अपना ख्याल रखना है। पूर की तरफ से हराम है। तो आपको इतनी देर बाद याद क्यों आया? मेरे कम से ये वाला काम नहीं, आवाज का मसला, कान का, तो कान का मसला है। ये तो हुजूर का कहना है। हाँ, ये तो हराम है, दर हराम है। एक मिनट सुनते कम है भाई। वही तो मैं तो परेशान हो गया था, क्या क्या दिया इन्होंने। चलता है पेशावर वगैरह में। हाँ, बोला कि लड़का जो था ना बाल बड़े, तो लड़की, वैसे तो बोला कि खुदकुशी कर ले। अच्छा, वो आप जो है उस लड़के को लड़की समझे थे।